स्टार सलमान खान को लेकर आई है एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़। इस साल की सबसे वर्स्ट न्यूज़ है ये। सलमान जो शो बिग बॉस सीजन 14 में बतौर होस्ट वीकेंड के बारे में आपको नज़र आते हैं, सलमान खान के बारे में कहा जा रहा है कि वो दरअसल एक तरफ तो अपने ज़िंदगी में अपने करियर को लेकर किसी भी तरह की परेशानी को आने नहीं देना चाहते हैं, तो दूसरी ही तरफ सलमान खान को लेकर खबर ये भी है कि सलमान अपनी निजी ज़िंदगी में फ़िलहाल इशूज़ का सामना कर रहे हैं। हैरानी आपको जानकर होगी कि सुपरस्टार सलमान खान इस साल नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना बर्थडे। जी हाँ, नहीं सेलिब्रेट कर पाएंगे इस साल सलमान अपना जन्मदिन 27 दिसंबर को। ना होगी ग्रैंड पार्टी, ना ही रखा जाएगा मस्ती डीजे, और ना ही नज़र आएंगे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ बिपाशा की माफ़ कीजिएगा सलमान खान के ग्रैंड पार्टी में शामिल। सलमान खान जिनकी पार्टी में कटरीना से लेकर जैकलिन डेजी से लेकर संगीता ये सब यूलिया वंतूर तक पहुंचती थी, उनके बर्थडे पर इस साल पहली बार होगा कि नहीं सेलिब्रेट किया जाएगा ग्रैंड पार्टी, और इसका कारण है COVID-19 और इसके गाइडलाइंस सोशल डिस्टेंसिंग, जिसे फॉलो करते हुए अपने परिवार खासकर अपने माँ बाप की उम्र का लिहाज करते हुए उनकी उम्र में इस बीमारी का डर सबसे ज़्यादा है। इसी कारण से सलमान खान ने बिल्कुल फैमिली प्राइवेट तरीके से प्राइवेट फैमिली ऑर्गेनाइज सेलिब्रेशन का फैसला लिया है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।